अस्सलाम वालेकुम। एड स्किल्स की जानिब से तमाम पाकिस्तानियों को और बिलखसूस हमारे प्यारे एड स्किलियंस को 75वां योम आजादी मुबारक हो। आज के दिन की मुनासबत से हम ये तजदीद अहद करना है कि हम आजादी की इस नेमत को कभी जाया नहीं होने देंगे। हमारे आबाओ अजदाद ने जिन काविशों और कुर्बानियों की बदौलत इस पाकिस्तान को हासिल किया था, हम उसको हमेशा याद रखेंगे और अपनी तमाम तवानाइयों और महारतों को बरूए कार लाते हुए इस मुल्क को मजीद मजबूत बनाएंगे और खूबसूरत। इस मकसद के हसूल के लिए हर पाकिस्तानी को अपने हिस्से का दिया जलाना, वो भले एक खाक रोब है या उसी महकमे की आला क्यादत है, उसका ताल्लुक महज घरेलू जिंदगी से जैसे घरेलू खवातीन है या एक बच्चा है या बुजुर्ग है या इवन अगर कोई माजूर भी है तो वो भी अपने हिस्से का दिया जला सकता है। बस करना इतना है काम कि अपने टैलेंट को पहचान और उस टैलेंट को पहचानते हुए हमें एक्सीलेंट लेवल पे आकर परफॉर्म करना, जो भी काम हम कर रहे हैं उसको एक्सीलेंट लेवल पे परफॉर्म करना। एक्सीलेंट लेवल मींस बेटर देन द बेस्ट। आप जब इस लेवल पर आके परफॉर्म करते हैं तो याद रखिए आपका काम आपको कभी मरने नहीं देता, आप हमेशा जिंदा रहते हैं। फिर कब्र में कोई और होता है, आप जिंदा होते हैं। और अगर हम आज ये अहद कर लें कि हम अपने हिस्से का ये एक्सीलेंस परफॉर्मेंस वाला दिया जरूर जलाएंगे तो पाकिस्तान को हम एक इंतहाई मजबूत मुआशी मुल्क बना सकते हैं। ये है पाकिस्तान की खूबसूरती। और पाकिस्तान की खूबसूरती अल्टीमेटली दुनिया की खूबसूरती में रिफ्लेक्ट होगी। पाकिस्तान उस तर्ज का मुल्क है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हमें इस मकसदियत के साथ जीना सिखा दे और हमें हमारा टैलेंट पहचानने की तौफीक अता कर दे ताकि हम इस मुल्क पाकिस्तान को मजीद खूबसूरत बना सके। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।